नेपाली युवक कृष्णा पुत्र हेमलाल निवासी गलेनगर जिला सेगा नेपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारोपी रिक्शा चालक जीजा और साले को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कृष्णा पुत्र हेमलाल निवासी गलेनगर जिला सेगा नेपाल शालीमार दिल्ली में खाना बनाने का काम करता था। वह 8 सितम्बर को दोपहर आनंद विहार से बस पकड़कर गोरखपुर बस स्टैंड पर 9 सितम्बर को दोपहर में उतरा था, जिसे अभियुक्त लालसा पुत्र उदित निवासी ग्राम मधुबनी थाना चौक जनपद महाराजगंज तथा लल्लन पुत्र मटुक बिहारी निवासी गौरी बड़पुरवा थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज द्वारा अपने रिक्शे पर बैठाकर अपना रिक्शे स्टैंड में लाकर शराब पिलाकर नशे में उसके बैग में रुपए होने के लालच में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शव को बोरे में भर कर फेंकने का प्रयास किए तथा मौके पर जनता के इकट्ठा होने पर फरार हो गए। दोनों अभियुक्तों को शनिवार को मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 9 के पास से गिरफ्तार किया गया तथा हत्या में प्रयुक्त एक रॉड, 2 डंबल व 1 सफेद गमछा आला कत्ल बरामद किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, गमछे से भी किया था और स्वीकार किया है हमने अपने बातचीत। फिर ये क्या हुआ कि इसने सोचा कि इसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ करना है, तो वहीं पास में लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर क्या है फिर पैर दिखने लगा उसे चक्कर में, फिर बगजा दूर उसका पैर दिखा तो हुआ कि लाश है। मुश्किल से समझिए कि 50 से 100 मीटर दूर था वहाँ से दो भैया नाले से, तभी इसको वहाँ के लोगों ने भी रोक लिया और सूचना दी गई पुलिस को। रात में 9 सितंबर 2021 को एक सूचना मिली थी रात्रि में 8:30 बजे के आसपास कि एक रिक्शे वाला जो है एक बोरी में एक व्यक्ति की लाश को लेकर जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची थी और सीओ गोरखनाथ मौके पर पहुंचे थे और इंस्पेक्टर शाहपुर भी पहुंचे थे और उसी की जांच पड़ताल की जा रही थी। उसी क्रम में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 9 के आसपास 5:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है लालसा पुत्र उदित और दूसरा है लल्लन पुत्र मटुक बिहारी, दोनों जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। लालसा 55 वर्ष का है और लल्लन 30 वर्ष का है। ये दोनों रिक्शा चलाने का कार्य करते थे और इनसे पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि दिल्ली में ये व्यक्ति रहता था जो जिसकी लाश मिली थी हमें, उसका नाम है कृष्णा पुत्र हेमलाल, निवासी गले नगर जिला सेगा नेपाल। ये शालीमार दिल्ली में काम करते थे, शालीमार बाग में, और वहाँ पर खाना बनाने का कार्य करते थे। 8 तारीख को ये व्यक्ति वहाँ आनंद विहार बस अड्डे से निकला था वहाँ से और यहाँ पे पहुँचा था। ये दोनों रिक्शे वाले उसको वहाँ मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नशे में उसे मिला के अपने कमरे पे ले गए थे और वहाँ पे पैसे के लालच में, और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन था एंड्रॉयड पर, उसके लालच में उन्होंने इसकी हत्या कर दी। इसके पास कुछ पैसे भी थे और मोबाइल था, ये दोनों देखा उन्होंने तो अपने पास ले गए। दोनों शराब के नशे में भी धुत थे, उसी में दोनों में आपस, ऐसा कुछ नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। इनके पास से एक लावा कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है, एक पावर बैंक है, चार्जर है, एक काला बैग, इतना ही बरामद हुआ है और आला कत्ल भी बरामद हुआ है। 1 डंबल रॉड है, 2 डंबल की चकिया है और एक सफ़ेद गमछा भी मिला है जो आला कत्ल है।